हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग का टॉपिक है होल नंबर। ओके, बट बिफोर नोइंग व्हाट इज होल नंबर, वी मस्ट नो व्हाट्स नेचुरल नंबर। ओके, तो हम लोग को होल नंबर जानने से पहले हम लोग को पहले समझना होगा नेचुरल नंबर क्या है। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। एंड कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक्स। ओके, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर होता क्या है? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ऑल दीज आर नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो कह सकते कि काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। अब देखो होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब अभी तक हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये जीरो भी इंक्लूड होगा इस बार, तो कह सकते हो होल नंबर क्या है? तो ये नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स, ओके, प्लस जीरो, मतलब जीरो एंड नेचुरल नंबर सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, तो ये सब चीज तो हम लोग जानते थे, कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुना भी था। तो होल नंबर क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ होल नंबर। अब देखो किसी भी होल नंबर का सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर समझेंगे। सी, सक्सेसर क्या होता है? हाँ, सक्सेसर होता है जस्ट आफ्टर। सक्सेसर मीन्स व्हाट? जस्ट, जस्ट आफ्टर। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिसेसर? जस्ट बिफोर, मतलब तुरंत पहले और तुरंत बाद। सपोज इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 21 का सक्सेसर क्या होगा? तो यू राइट 22। ओके, एंड व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 21 का प्रेडिसेसर, मतलब जस्ट बिफोर, पहले, जस्ट पहले, तो व्हाट विल बी द प्रेडिसेसर? इट विल बी 20। इज इट क्लियर? मतलब 21 के पहले क्या आता है? तो इट इज 20। एंड जस्ट आफ्टर मीन सक्सेसर, 21 के जस्ट बाद क्या आता है? इट्स 22। ओके, नाउ सी वन सम मोर क्वेश्चंस। इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ, नो, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस वन, नो, सक्सेसर ऑफ दिस वन। ओके, इसका आपसे किसी ने सक्सेसर पूछा, ठीक है, तो अगर सिंपल सा नंबर्स होता तो हम लोग जस्ट एक आगे कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सक्सेसर जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस प्लस वन कर दो इस नंबर में। क्या कर देंगे हम लोग? प्लस वन, तो क्या विल गेट 1001, 10001। तो कह सकते हैं जस्ट आफ्टर या प्लस वन, किसी भी नंबर में एक जोड़ दो वो सक्सेसर हो जाता है उसका। जैसे 21 में एक जोड़ा, क्या आ गया? 22। ओके, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, ओके, तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपसे गलत हो जाए, या जीरोज अगर आप कुछ ज्यादा कर दो तो वो गलत हो जाएगा, तो आप क्या करो, जो भी नंबर दिया है उसमें प्लस वन कर दो। और प्लस वन यहां नहीं लिखा आता है, वंस के पास, ठीक है, तो प्लस वन कर दिया। 9 + 1 = 10, इन हैंड कैरी 1, 9 + 1 = 10, इन हैंड कैरी 1, 9 + 1 = 10, अगेन 1 यहाँ गया, 10 का 0 यहाँ बन गया, 10 का 0 यहाँ बन गया, नाउ दिस वन, ये क्या है? सक्सेसर हो गया। मीन्स व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर? सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस वन। ओके, इज दैट क्लियर? चलो अब हम लोग समझते प्रेडिसेसर को और अच्छे से। तो एज आई टोल्ड यू, प्रेडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर, मतलब 20 के जस्ट बिफोर क्या, 21 के जस्ट बिफोर क्या आता है? 20 आता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, तो व्हाट यू विल डू, अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता इसके इस प्रेडिसेसर क्या होगा इसका, तो यू विल गिव आंसर
एक कम, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे दिया है 10,000, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप क्या करो, माइनस करो वन। क्या करोगे, वन को माइनस कर दो जो भी नंबर दिया है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये इसे वन देगा, ये इसे वन देगा, ये इसे वन देगा और ये इसे देगा। तो 10 में से वन गया 9, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ भी 9। ओके, व्हाट विल बी द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, दिस विल बी 9999, ठीक है। तो कह सकते प्रेडिसेसर मतलब वन माइनस, जो भी नंबर दिया है उसमें से वन माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द प्रेडिसेसर। ओके, अगर समझ ना आए तो जो भी नंबर दिया उसमें से वन माइनस कर दो तो वो प्रेडिसेसर हो जाएगा। और आफ्टर सक्सेसर किसी का बोला जाए, अगर ना समझ आए तो उसमें प्लस वन कर दो। कितना वन करना है, प्लस वन। एक और चीज हम लोग समझते हैं, कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्सिक्यूटिव। ओके, दिस मीन्स लगातार, क्या लगातार। ओके, लगातार का मतलब होता है कि कोई भी नंबर दिया है तो जस्ट उसके बाद मतलब वो हम लोग को लिखना होता है, कोई किसी भी नंबर का जस्ट आफ्टर है ना, आगे का लिखना होता है। तो देखो, लेट मी टेक वन क्वेश्चन, दैट देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इट्स नॉट नेसेसरी कि लगातार आगे से मतलब जस्ट बिफोर होगा सक्सेसर का ही लिखा है, प्रेडिसेसर का भी लगातार बैक जा सकते हैं ना। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, सी यू कैन सी आई हैव रिटन टू क्वेश्चंस, ओके, राइट डाउन थ्री सक्सेस कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट प्रिसीडिंग दिस वन। मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, उसके पहले का तीन, प्रिसीडिंग मतलब बैक, ओके, प्रेडिसेसर बैक, प्रिसीडिंग मतलब भी क्या हुआ, बैक का, तीन नंबर लिखना है इस नंबर के जस्ट पीछे। जैसे जैसे एक सिंपल सा नंबर समझते हैं, 10 के जस्ट पीछे क्या होगा, 9, 8 देन 7, ये तीनों हुआ ना 10 के जस्ट बैक प्रिसीडिंग, 9, 8, 7। उसी तरीके से इस नंबर के जस्ट प्रिसीडिंग, अगर ना समझ आए तो प्रिसीडिंग कह रहा है तो मतलब प्रेडिसेसर, तो यानी हम लोग क्या कर लेंगे, वन माइनस कर लेंगे, प्रेडिसेसिंग प्रिसीडिंग है तो मीन्स हम लोग क्या कर लेंगे, वन इसमें से माइनस कर लेंगे अगर आपको ना समझ आए, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, 1751000, वन में से वन माइनस कर लेंगे, वी विल गेट 0000157। तो पहला नंबर हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ओके। नाउ इसमें से वन माइनस कर लेते, तो इसमें से फिर से वन माइनस कर लेंगे, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो इसमें से एक और माइनस कर लेते हैं, वी विल गेट 9999057। ओके, तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 7509999। और अगर तीसरा भी ना समझ आए तो इसमें से फिर से वन माइनस कर देंगे, वी विल गेट 8999057। ओके, वी विल गेट दिस नंबर, देन विल राइट 7509998। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले क्या है, ये और ये, और लगातार था तो बीच के गैप नहीं देंगे, लगातार का जस्ट लिखेंगे। ओके, नाउ सी कॉन्सिक्यूटिव होल, राइट डाउन थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर सक्सीडिंग दिस वन। तो इसके जस्ट बाद का तीन, तो हम लोग इसमें तो यहाँ पे तो इजी है ना, देखो ये 12 है ना, 12 के जस्ट बाद क्या आता है 13, फिर 14, देन 15। तो व्हाट विल राइट, 8000 13 8000 14 8000 15। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी व्हाट वी हैव सीन, हाँ, तो हम लोगों ने पहले देखा नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछ सकते हो, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट यू विल से, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, वन होगा, ठीक है, क्योंकि वन से शुरू होता है। इज दैट क्लियर। नाउ होल नंबर में हम लोग किन लोगों ने क्या देखा, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं जीरो को इंक्लूड करके वो क्या कहलाते हैं,
होल नंबर कहलाते हैं। नाउ टेल मी हियर वन मोर थिंग कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो यू विल से जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपसे पूछे तो वन नहीं लिखना है हम लोगों को, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू जीरो, ओके। एंड फिर हम लोगों ने देखा सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर, तो सक्सेसर जस्ट आफ्टर, या अगर जब ना समझ आए तो इसके आफ्टर, क्योंकि अगर लार्ज नंबर्स होंगे, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप जो भी नंबर दिया होगा उसमें प्लस वन कर देना, ठीक है। एंड प्रेडेसेसर जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, अगर आपको और लार्जर नंबर दिया हो या जीरोज में नंबर दिया और ना समझ आए तो उसमें से जस्ट वन माइनस कर देना, जो भी नंबर दिया उसमें से वन को माइनस कर देना, ओके। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखा, क्लियर हो गया। चलो, थैंक यू।